वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी मैं मौजूद हूँ जंगल में। ये जंगल मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, जहाँ हम बचपन में अपने बैलों को चराने आया करते थे, जिसका नाम है बम्स। जो चरेल है वो यहाँ से थोड़ा दूर है। आजकल तो वैसे जंगल में काफ़ी आग लगी हुई है, देख सकते हैं आप, जैसे आपको दिख रहा है चारों तरफ आग लगी हुई है। लेकिन एक टाइम था जब ये जंगल काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हुआ करता था। तो आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है, वो मोस्टली अपने जो लोकल प्लेस है उनको विजिट करने में रहेगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे, क्योंकि हम जाने वाले अभी सतलुज नदी के पास। बाय। तो जो ये गांव आपको नज़र आ रहा है, ये है फिरनू, जो कि एक प्लेन एरिया में बसा हुआ गांव है। जो हमारा टारगेट था वो मोस्टली सतलुज नदी के पास जाना था, लेकिन जब रास्ते में हमें पता चलता है कि यहाँ एक बाबा की गुफा भी मौजूद है और जहाँ वो बाबा रहा करते थे, तो मेरा मन करा कि क्यों ना हम उस गुफा के अंदर जाएं। आपको जो ये ऊंची चोटी नज़र आ रही है, ये है मेरा गांव सराहन। आपको हल्का हल्का पीपल का पेड़ भी नज़र आएगा इधर से। अभी मैं जिस पुल के ऊपर मौजूद हूँ, इसके एक और मंडी है और दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ये हमारी एक छोटी सी खड है जो यहाँ सतलुज नदी पर मिलती है। फाइनली काफी ज्यादा चलने के बाद हम उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से हमें तीनों डिस्ट्रिक्टों का व्यू साफ नजर आता है। जिस लोकेशन के पास मैं मौजूद हूँ, यहाँ से मेरा गांव भी बड़ा साफ नज़र आता है। अगर मैं आपको पीछे दिखाने का प्रयास करूँ, जो ये दो पोल आपको नज़र दिखाई दे रहे हैं, ये टावर, इनके बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पीपल का बड़ा विशाल पेड़ यहाँ से नज़र आता है। और जो हमारा स्कूल है वो भी यहाँ से साफ नज़र आता है। हालांकि जो गांव है, गांव तो बहुत पीछे के लिए है, वो तो इधर से नजर नहीं आता है। जिस पॉइंट में अभी मैं मौजूद हूं, इसे बैना कहा जाता है। वहां उधर आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी और यहां डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और उधर के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ता है। मतलब मैं उन बंदों से हूँ जो बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, तीनों डिस्ट्रिक्टों में अपना चलता है इधर उधर घूमना। Oh my God! Wow! आज के व्लॉग का जो मेरा पर्पस था, वो आपको सतलुज नदी बताना था। लेकिन जैसे हम यहाँ रास्ते में पहुँचे, तो मेरे को यहाँ पे दिखा बाबा का एक गुफा, या बोल सकते आप घर, क्योंकि वहाँ एक बाबा बहुत समय पहले रहा करता था, लेकिन अब वो गिर चुका है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो ऐसी है कि मतलब वहाँ अंदर एक गुफा भी है। अंदर जाने का लोग बहुत कम प्रयास करते हैं, क्योंकि अंदर से काफ़ी डरावना है। लेकिन मैं आपको गुफा के अंदर जाके बताऊँगा और दिखाऊंगा कि बाबा कैसे रहा करते थे और अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हम वहां जाने की कोशिश करेंगे, तो मिलेंगे आपको बाबा की गुफा में। नहीं,
अभी हम मौजूद है उस पॉइंट के पास जहाँ एक बाबा रहा करते थे और इसके अंदर एक विशाल गुफा मौजूद है। हाल फिलहाल में तो ये गुफा गिर चुकी है और इसके अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। जैसे ही हम गुफा में अंदर जाना शुरू करते हैं तो हमारे 12:15 बज जाते हैं। ये गुफा अंदर काफी लंबी है और अंदर से काफी ज्यादा डरावनी भी। इस गुफा के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि ये गुफा यहाँ पहले से मौजूद थी या उस बाबा ने इस गुफा का निर्माण किया। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।